नमस्कार दोस्तों, क्लिक हाउ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हो सभी मैंने ये वीडियो में कवर किए हैं, तो आप ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में ये बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली जो नई वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेगी। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रयान 2 जो है उसको ले जाने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि ऐसा कौन सा रॉकेट है जिसको चंद्रयान 2 को ले जाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है, तो वो रॉकेट का नाम है JSLV MK3, यानी कि सही आंसर रहेगा JSLV MK3। अगर हम लोग JSLV MK3 की बात करें तो उसका पूर्ण रूप है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी चंद्रयान 2 की बात करें तो वो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 जो है उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। और दूसरी बात करें तो चंद्रयान 2 जो है वो चंद्र का दक्षिण ध्रुव जो है उसका पता लगाने वाला है। और चंद्रयान 2 में उसके 3 मॉड्यूल होते हैं अंतरिक्षयान के, और चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर द्रव्यमान है वो है 2379 किलोग्राम, वो एक आपको याद रखना है। और उसमें जो सौर सरणियां होती है वो 1000 वोल्ट पावर पैदा करने में सक्षम है, तो वो एक चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि भाई सौर सरणियां का कितना वोल्ट पावर पैदा करने में सक्षम है, तो वो है 1000 वोल्ट। 3 साल की अवधि के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS के निदेशक यानी कि डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर है बी हरदीश कुमार, यानी कि आपका ऑप्शन जो ए है वो सही रहेगा। ओके, बी हरदीश कुमार जो है उसको डायरेक्टर बनाया गया है IBPS का, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। किस देश ने ICC मैन वर्ल्ड कप 2019 या फिर अगर हम लोग बोले 12वें क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड को हराकर अपना पहला विश्व कप खिताब जीत लिया है, तो वो है इंग्लैंड। कौन नहीं जानता कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल मैच हुई थी और उसमें इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर जो 12वां क्रिकेट विश्व कप था, यानी कि ICC मैन जो वर्ल्ड कप 2019 वो पूरा जीत लिया है। और अगर हम लोग बात करें तो इंग्लैंड ने मैच सुपर ओवर जो टाई के रूप में उसे जो बाउंड्री काउंट उसमें न्यूजीलैंड को हराकर ये जो पहला विश्व कप है वो जीत लिया है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो फाइनल मैच था वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किया गया था, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था फाइनल मैच। एकमात्र भारतीय का नाम बताइए जो फोर्ब्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज 2019 में विश्व स्तर पर 33वें स्थान पे रहा, याद रखिएगा 33वें स्थान पे, तो क्रम भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर है अक्षय कुमार, ऑप्शन है डी अक्षय कुमार। तो फोर्ब्स जो हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज 2019 में अक्षय कुमार जो है वही एकमात्र भारतीय थे, और उसकी जो कमाई थी वो थी 444 करोड़ रुपए, याद रखिएगा 444 करोड़ रुपए, और उसका जो क्रमांक था वो था 33वें स्थान पर, यानी कि उसका 33वां जो क्रमांक था वो था 33वें नंबर का, तो वो आपको एक याद रखना है। मुस्लिम महिला यानी कि विवाह पर अधिकारों का संरक्षण, ये जो विधेयक है 2019 का, उसके अनुसार अगर मुस्लिम ट्रिपल तलाक का तत्काल जो अभ्यास करता है, तो वो जो मुस्लिम व्यक्ति है जिसने मीन्स ट्रिपल तलाक बोला, तो वो व्यक्ति को कितने साल की जेल हो सकती है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी जो ट्रिपल तलाक के ऊपर जो बिल पास हुआ तो उसके रिलेटेड ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सही आंसर है 3, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा हमारा 3। मुस्लिम महिला ऊपर जो विवाह पर अधिकारों का जो संरक्षण है वो 30 जुलाई 2019 को वो विधेयक है वो पारित किया गया है, और उसमें ये जो विधेयक है यानी कि जो बिल है उसमें उसके पक्ष में 99 मत आए थे और उसके खिलाफ यानी कि विरोध में 84 मत आए थे, तो वो भी एक आपको याद रखना है। और ये जो एक बिल है वो क्या करता है कि मुस्लिमों के जो बीच में जो तत्काल ट्रिपल तलाक होता है उसका वो विरोध करता है, और उसमें उसके पति को 3 साल की जेल हो सकती है, क्या हो सकती है 3 साल की जेल, तो सही आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे डी 3। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है जो लाभार्थियों को देश के किसी भी राशन की दुकान से सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीदने की वो अनुमति देता है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड। अभी अगर हम लोग बात करें तो केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है और वो है वन नेशन वन राशन कार्ड,
उसके तहत जो भी लाभार्थी है देश का, उसको राशन की जो दुकान है वहां से सब्सिडी वाले खाद्यान्न जो है वो खरीद सकता है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के 3 महीने की जो अवधि है उसके लिए अतिरिक्त पद के लिए किससे नियुक्त किया गया है, यानी कि एडिशनल पोस्ट एज अ CMD उसके लिए किसको नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है PK पुरवार को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, PK पुरवार। तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे PK पुरवार, उसको 3 महीने की जो अवधि के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के CMD के रूप में अतिरिक्त उसको जो पद है वो नियुक्त किया गया है। राहुल गांधी ने आधिकारिक तौर पर किस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो सही आंसर रहेगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ओके, तो 3 जुलाई को, या एक डेट याद रखनी कि भाई 3 जुलाई को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है राहुल गांधी, उसने अपने जो आधिकारिक रूप से अपने जो पद है अध्यक्ष पद उससे उसने इस्तीफा दे दिया है। राहुल गांधी जो है वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहे। विश्व बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो सही आंसर है 29 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन सी सही रहेगा 29 जुलाई। तो विश्व बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया गया था। ये विश्व बाघ दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि विश्व बाघों के प्राकृतिक जो वातावरण है उसके आश्वासन को बढ़ावा देने के लिए, बाघ के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो विश्व बाघ दिवस है वो मनाया जाता है। विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो वो जीता नोवाक जोकोविच ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। अब ये जो नोवाक जोकोविच है उसने ये 5वां विंबलडन खिताब जीता है अपने कैरियर का, और उसका कैरियर का 16वां ग्रैंड स्लैम भी था। ओके, तो वो आपको याद रखना है। कौन सा देश लगभग 2.8 मिलियन टन के आयात के साथ सनफ्लावर तेल का सबसे बड़ा आयातक है, तो वो है भारत, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा ऑप्शन डी भारत। तो भारत जो है वो 2.8 मिलियन टन के आयात के साथ सनफ्लावर तेल का सबसे बड़ा आयातक है। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2019 जीता, या फिर जो ऐसा रिकॉर्ड बनाया 4वीं बार फीफा महिला विश्व कप का 8वां संस्करण जीता और खिताब को सफलतापूर्वक बनाए रखने के लिए वो दूसरा देश बन चुका है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसने एक रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि 4थी बार वो टूर्नामेंट जीता और जर्मनी के बाद यानी कि दूसरा देश बन गया, क्योंकि जर्मनी ने भी 4थी बार ये ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ओके, तो जर्मनी के बाद अभी दूसरा जो क्रम आ गया है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो अपना जो उसका जो रिकॉर्ड है वो अभी बराबर कर लिया है, अभी वो दूसरे स्थान पर पहुंच गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का ऐसा पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो वो है कोट्टूर केरल में, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो राइट रहेगा कोट्टूर केरल। अभी भारत का जो पहला हाथी पुनर्वास केंद्र जो है वो केरल राज्य सरकार द्वारा जो कोट्टूर है उसमें स्थापित किया जाएगा, और उसमें जो एक्टोरिज्म गांव है वहां पे स्थापित किया जाएगा, यानी कि कोट्टूर में जो अपना एको टूरिज्म गांव है वहां पे उसमें स्थापित किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 11 जुलाई, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा। अभी 11 जुलाई है उसको, उसमें विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और ये जो है वो जो हमारी जनसंख्या बढ़ती रहती है उसके ऐसे जो मुद्दे होते हैं उसमें जागरूकता फैलाने के लिए ऐसे विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाला भारत का ऐसा पहला राज्य कौन बन गया है, तो वो है तमिलनाडु, ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा। तमिलनाडु जो है वो ऐसा फर्स्ट स्टेट बन चुका है जो इलेक्ट्रिक कार का मैन्युफैक्चरिंग करेगा। दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्र का नाम बताइए जो 2006 से 2016 तक सबसे तेजी से सुधर रहा, यानी कि उसमें जो सुधरने का जो दर है वो बढ़ा, यानी कि गरीबी जो थी वो 10 में यानी कि 74.9% से घटकर 46.5% हो गई, यानी कि पहले कितनी थी 2006 में
74.9% एंड 2016 में उसकी गरीबी जो है कम हो गई, यानी कि कितनी हो गई 46.5%, तो वो है झारखंड, यानी कि ऑप्शन सी सही रहेगा। भारत का जो झारखंड है वो दुनिया का सबसे ऐसा गरीब क्षेत्र है जो गरीबी में वो तेजी से सुधार कर रहा है, तो एक अच्छी बात है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने किस अधिनियम के तहत रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट यानी कि जिसको RTGS भी बोला जाता है और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जिसको NEFT भी बोला जाता है और तत्काल भुगतान सेवा यानी कि IMPS पर छूट दी है? तो राइट ऑप्शन है बी, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 18 के साथ धारा 10B। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अभी देश को कम नकदी वाली जो अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है, इसलिए देश का जो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसना जो उसके जो अपना ऐप है यानी कि योनो ऐप, सब लोग जानते होंगे योनो ऐप के बारे में, तो उसमें मोबाइल बैंकिंग ग्राहकों की जो आवश्यकता के लिए जो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट यानी कि RTGS है, फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि NEFT है, उसमें जो शुल्क होते हैं उसको माफ कर दिया है। ओके, तो वो कब से प्रभावी होगा? वो प्रभावी होगा 1 जुलाई 2019 से, तो वो आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 6वें भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो वो थे सचिन तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा, सचिन तेंदुलकर। हमारा भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को दक्षिण अफ्रीका के जो तेज गेंदबाज है एनल डोनाल्ड और ऑस्ट्रेलिया की जो महिला क्रिकेटर है कैथरीन पिट्स पैट्रिक, उसके साथ उसको ICC का जो हॉल ऑफ फेम है उसके साथ उसको शामिल किया गया है। और उसके साथ अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो उसमें बिशन सिंह बेदी है, कपिल देव है, सुनील गावस्कर है, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ के बाद अगर ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले जो क्रिकेटर की बात करें तो उसमें सचिन तेंदुलकर का जो क्रमांक आता है वो आता है 6वें नंबर का आता है, तो आपको वो याद रखना है 6वें नंबर का उसका क्रमांक है ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले क्रिकेटर का। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम, यानी कि वो कहां पे है? केरल में है तिरुवनंतपुरम। तो केरल सरकार जो है वो तिरुवनंतपुरम के जो नॉलेज सिटी है वहां पे भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित करने वाली है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी है। उस संस्था का नाम बताइए जिसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि IIT JEE की जो प्रिपरेशन के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है JEE रेडी है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेजन। तो अमेजन की अगर हम लोग बात करें तो अमेजन एक ई कॉमर्स और टेक दिग्गज कंपनी है जिसने IIT JEE की तैयारी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है JEE रेडी। तो ये जो है वो छात्रों को मुफ्त में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लेने की अनुमति देगा और जिसके लिए वो परीक्षा के लिए वो तैयारी भी कर सकते हैं, और ये वर्तमान में अपने वो बीटा चरण में है यानी कि सिर्फ केवल वो एंड्रॉइड डिवाइस पर ही उपलब्ध किया जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए प्रतियोगिता में कौन जीता है? तो वो जीता है बोरिस डी फाफेल जॉनसन, सही ऑप्शन रहेगा बी, बोरिस डी फाफेल जॉनसन जो ब्रिटिश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 16 जुलाई 2019 को अपोलो 11 मानव चंद्र लैंडिंग मिशन की 50वीं वर्षगांठ किस देश ने मनाई? तो सबको पता है वो देश था संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा का जो अपोलो 11 यान है उसको 16 जुलाई 1969 को भेजा गया था, उसको भेजा गया था कैनेडी स्पेस सेंटर से यानी कि उसको वहां से लॉन्च किया गया था, और उसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों थे यानी कि उसमें कमांडर थे नील आर्मस्ट्रांग और लूनर मॉड्यूल थे पायलट थे एडविन बज एल्ड्री, और उसमें जो कमांड मॉड्यूल पायलट थे वो थे माइकल कॉलिंस, और उसमें से 3 में से जो 2 अंतरिक्ष यात्री यानी कि नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे जो बज एल्ड्रीन 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर वो उतरे, और जबकि जो माइकल कॉलिंस थे यानी कि वो जो कमांड मॉड्यूल थे ओके उनसे 60 मील ऊपर कक्षा में ही रहते यानी कि वो नीचे उतरे नहीं थे, तो वो आपको याद रखना है सिर्फ 2 यात्री जो है वो नीचे उतरे थे, एक नील आर्मस्ट्रांग और दूसरा था एडविन बज एल्ड्रीन। ओके, तो वो आपको याद रखना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने विधानसभा में बहुमत खोने के बाद इस्तीफा दे दिया है?
तो वो HD कुमार स्वामी जो थे वो मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी कर्नाटक। तो जनता दल सेक्युलर के कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है HD कुमार स्वामी, उसने कर्नाटक का विधानसभा में जो गठबंधन सरकार जो थी कांग्रेस और जनता दल के बीच में, ओके, उसमें बहुमत खो दी। उसके बाद राज्यपाल वजूभाई वाला को इस्तीफा सौंप दिया है और उन्होंने 14 महीने तक CM के रूप में उसमें कार्य किया और कुमार स्वामी द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव उसके पक्ष में 99 मत आए और उसके खिलाफ जो थे वो 105 मत आए, इसलिए वो हार गए और उसको क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में। तो उसका नाम है HD कुमार स्वामी। उस बल्लेबाज का नाम बताइए जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में सबसे ऊपर है, ओके, तो वो है विराट कोहली, यानी कि सही ऑप्शन रहेगा ए विराट कोहली। तो न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जो टेस्ट बल्लेबाजों की जो रैंकिंग है उसमें भारतीय क्रिकेट कप्तान है विराट कोहली, उसने उसका फर्स्ट नंबर है और न्यूजीलैंड का जो केन विलियमसन है वो दूसरे स्थान पर है और भारत के जो चेतेश्वर पुजारा है उसका जो क्रम है वो तीसरे स्थान पर है। और टीम रैंकिंग में अगर हम लोग देखें तो भारत जो है वो पहले स्थान पर है और उसके बाद न्यूजीलैंड आता है और तीसरे नंबर पे आता है दक्षिण अफ्रीका। और गेंदबाजों की रैंकिंग की अगर हम लोग बात करें तो उसमें ऑस्ट्रेलिया जो पेसर है यानी कि पैट कमिंस, ओके, उसको पहला स्थान मिला है और उसके बाद जो मिला है वो है इंग्लैंड का जेम्स एंडरसन, उसको दूसरा स्थान मिला है, तो वो आपको याद रखना है। हाल ही में भारत के सबसे तेज दूसरी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे 1018 भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, 1018 भी कहा जाता है ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को, उसका जो ट्रायल रन है वो किस रूट पर किया गया, तो वो किया गया नई दिल्ली से कटरा तक, यानी कि सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। तो 23 जुलाई 2019 को नई दिल्ली से जो कटरा यानी कि वो कटरा है जम्मू कश्मीर में आता है उसके रूट पर भारत की सबसे तेज यानी कि दूसरी है वो वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे 1018 भी कहा जाता है, उसका जो ट्रायल है, ओके, वो भारतीय रेल के जो उत्तर रेलवे जोन द्वारा उसको सफलतापूर्वक किया गया है। और वंदे भारत की बात करें उसके ट्रेन की तो उसकी जो स्पीड है यानी कि गति वो 160 किलोमीटर प्रति आवर है और यह दिल्ली से कटरा के बीच में जो यात्रा के समय उसका टाइम पहले 12 घंटा था, अभी उसको कम कर दिया यानी कि अभी 8 घंटे में उसको पहुंचा देगी यानी कि 4 घंटा जल्दी पहुंचा देगी। कारगिल विजय दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 26 जुलाई को, यानी कि यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा 26 जुलाई। तो 26 जुलाई 2019 को कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाया जाता है और यहाँ पे जो 1999 में जो कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर जो भारत की जीत के उपलक्ष्य में जो पूरे भारत में ये जो दिन है वो मनाया जाता है। और कारगिल विजय दिवस जो है 2019 का विषय जो था वो है रिमेम्बर रेजोइंस एंड रेन्यू, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारा, ओके। किस सशस्त्र बल के लिए SS देसवाल को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, ओके, तो वो सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, ओके। तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है उसके महानिदेशक यानी कि वो है SS देसवाल, उसको आतंकवाद निरोधी जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि जिसको NSG भी बोला जाता है उसके महानिदेशक के रूप में उसको प्रभार यानी कि अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगर वो स्थान लेंगे तो किसका स्थान लेंगे, सुदीप लखटकिया का, ओके, तो आपको याद रखना है। संसद द्वारा पारित बिल का नाम बताइए जिसने ट्रस्टों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयों की जो स्थापना की अनुमति दी है, तो सही ऑप्शन है सी विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन विधेयक 2019। तो संसद ने जो विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक 2019 जो पारित किया है वो नवगठित जो 70वीं लोकसभा द्वारा वो पारित किया जाने वाला ये पहला कानून बना है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि भाई जो 70वीं लोकसभा है, ओके, नवगठित जो 70वीं लोकसभा द्वारा जो पारित किया जाने वाला जो पहला कानून है, ओके, तो वो कौन सा है, तो वो है विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन विधेयक 2019, तो वो आपको एक याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम बताइए जिसके लिए भारत ने रूस के साथ लगभग 200 करोड़ रुपए के अधिग्रहण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा सी स्टर्म अटका। स्टर्म अटका एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसमें भारत ने रूस यानी कि रशिया के साथ लगभग 200 करोड़ रुपए के लिए एक अधिग्रहण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
26वीं एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप 2019 कहां पे आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी मकाऊ चीन में। तो सही ऑप्शन रहेगा हमारा ए, मकाऊ चीन। तो मकाऊ चीन में 26वीं जो एशिया जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप है वो आयोजित की गई थी, और इसका जो आयोजन है वो मकाऊ स्क्वैश एसोसिएशन द्वारा किया गया था, तो वो आपको भी याद रखना है। ओके, 2019 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो वो जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। तो मैक्स वर्स्टैपेन जिसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स वो जीत लिया है। विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 2 जुलाई को, यानी कि सही ऑप्शन रहेगा हमारा बी, 2 जुलाई। तो ये जो खेल है उसके प्रचार के लिए खेल पत्रकारों की सेवाओं को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है। किस तारीख को जीएसटी की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई? तो जीएसटी के बारे में तो सबको पता ही होगा कि 1 जुलाई 2018 को जीएसटी लागू किया गया था पूरे भारत में। तो हमारी जो उसमें जो 2019 में यानी कि उसकी जो जीएसटी की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई, तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा बी, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई जो है उसमें 1 जुलाई 2019 को भारत सरकार ने जीएसटी की जो दूसरी वर्षगांठ है वो मनाई थी, और 1 जुलाई 2018 को पहला जीएसटी दिवस था, तो वो भी आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2019 उसका विषय क्या था? तो सही आंसर है हमारा ए, थीम है डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा और नैदानिक स्थापना के लिए जीरो टॉलरेंस। तो राष्ट्रीय डॉक्टरों दिवस की अगर हम लोग बात करें तो 1 जुलाई 2019 को मनाया जाता है, और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि डॉक्टरों के महत्व और हमारे जीवन में जो उनके दिन प्रतिदिन जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। ओके, और उसका जो थीम है वो है डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा और नैदानिक स्थापना के लिए जीरो टॉलरेंस, तो वो आपको याद रखना है। उस ब्रिटिश पत्रकार का नाम बताइए जिसे 2019 के यूके इंडिया अवार्ड्स में यूके भारत संबंध में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उसे सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है सर मार्क टल्ली को, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। सर मार्क टल्ली जो है वो एक ब्रिटिश पत्रकार है जिसे 2019 के जो यूके इंडिया अवार्ड्स में जो यूके भारत संबंध में जो उनके योगदान को मान्यता देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, तो वो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है कर्णम शेखर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा, कर्णम शेखर। और 1 जुलाई 2019 को चेन्नई स्थित जो बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक उसने कर्णम शेखर को अपना जो नया प्रबंधक यानी कि एमडी और अपना सीईओ जो है वो नियुक्त किया है। उस इंडिया साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसे नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पंच मिशन के लिए चुना है। अगर हम लोग पंच का फुल फॉर्म देखें तो वो है पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। ओके, तो सही आंसर है हमारा दीपंकर बनर्जी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही रहेगा, दीपंकर बनर्जी। वो एक इंडियन साइंटिस्ट है जिसे नासा ने अपने जो पंच मिशन है उसके लिए उसको चुना गया है। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित विस्पर्स ऑफ टाइम नामक पुस्तक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में शुभारंभ किसने किया? तो वो किया स्मृति ईरानी ने, यानी कि सही ऑप्शन रहेगा हमारा ए, स्मृति जुबिन ईरानी। विश्व यूएफओ किस तिथि को मनाया जाता है? यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो वो मनाया जाता है 2 जुलाई, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा, 2 जुलाई। तो यूएफओ के जो अस्तित्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि पहला विश्व यूएफओ दिवस 2001 में मनाया गया था, तो वो आपको याद रखना है 2001 में। थाईलैंड के पटाया में आयोजित होने वाली वर्ल्ड सिल्वर वेल्टरवेट चैंपियनशिप 2019 विश्व मुक्केबाजी परिषद किसने जीती? तो वो जीती वैभव यादव, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा, वैभव यादव।
और वैभव यादव जो है वो भारतीय समर्थक मुक्केबाज है, जिसने वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल यानी कि एशिया सिल्वर वेल्टरवेट चैंपियनशिप 2019 जीत लिया है। और वो कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो वो आयोजित किया गया था पटाया थाईलैंड में। संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 किसने प्रस्तुत किया, तो वो किया निर्मला सीतारमण, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण जो है केंद्रीय वित्त मंत्री है और कॉरपोरेट मामलों के भी मंत्री है, जिसने आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 प्रस्तुत किया। और यह भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन द्वारा तैयार किया गया। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, ओके, कि किसके द्वारा तैयार किया गया, तो वो मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन द्वारा तैयार किया गया था, तो वो आपको याद रखना है। 2024-25 तक भारत की जो GDP है वो $5 trillion अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, तो सही ऑप्शन है ए 8%। यानी कि अगर हमें 2024-25 तक की जो भारत की जो GDP है वो $5 trillion की अगर अर्थव्यवस्था प्राप्त करनी है, तो हमारी हर साल जो GDP होनी चाहिए वो 8% होनी चाहिए, यानी कि 8% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर होगी तो हमारी $5 trillion की अर्थव्यवस्था हो जाएगी 2024-25 तक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतरिम नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है डेविड लिप्टन को, तो सही ऑप्शन है हमारा ए डेविड लिप्टन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अमेरिकी जो अर्थशास्त्री है डेविड लिप्टन, उसको अपना अंतरिम नेता नियुक्त किया है। भारतीय रेलवे के दक्षिणी मध्य रेलवे ने भारत में सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग कहां पे बनाई, यानी कि सबसे लंबी इलेक्ट्रिफाइड टनल कहां पे बनाई, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश। नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश में सबसे लंबी इलेक्ट्रिफाइड टनल जो है वो बनाई है। किस राज्य ने भारत का पहला डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर फेस नोवा नाम से लॉन्च किया गया है, तो सही आंसर है सूरत गुजरात, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा। फैशन डिजाइन क्षेत्र में जो शहर को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जो डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर है वो टेक्सटाइल सिटी सूरत गुजरात में लॉन्च किया गया है, और अनुपम गोयल वो फेस नोवा डिजाइन डेवलपमेंट के संस्थापक है, तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि अनुपम गोयल वो फेस नोवा डिजाइन डेवलपमेंट के संस्थापक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक उनके वीजा मुक्त स्कोरों के आधार पर क्या है, तो वो है 86, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा हमारा 86। ओके, तो भारत का जो रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार वो है 86। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया, तो वो किया लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश, तो सही ऑप्शन रहेगा हमारा सी। नरेंद्र मोदी ने जो पूर्व प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री उसकी जो प्रतिमा का अनावरण वो यूपी के जो वाराणसी है उसमें लाल बहादुर शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहां पे उसने किया। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का जो 43वां सत्र है वो कहां पे आयोजित किया गया था, तो वो किया गया बाकू अजरबैजान में, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही रहेगा बाकू अजरबैजान। पोलैंड में 2019 में कुटनो एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता, देखो स्वर्ण पदक की अगर हम लोग बात करें तो उसमें अभी एक रिकॉर्ड बना चुकी है वो है हेमा दास, यानी कि गोल्डन गर्ल बन चुकी है हेमा दास, तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा हेमा दास। तो हेमा दास की अगर हम लोग बात करें तो भारत के असम में रहने वाली हेमा दास, और उसने 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो मोहम्मद अनस ने यही इवेंट में ओके उसमें पुरुषों की दौड़ जो थी 200 मीटर की उसमें उसने स्वर्ण पदक जीता, और हेमा दास जो है वो एक गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती है, क्योंकि उसने 20 दिनों में यूरोप में 5 अलग अलग जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें 5-5 जगह में उसने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि हेमा दास जो है उसको गोल्डन गर्ल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गोल्डन गर्ल। फीफा महिला विश्व कप 2019 या फीफा महिला विश्व कप का 8वां संस्करण कहां पे आयोजित किया गया था, तो वो किया गया था फ्रांस में, यानी कि ऑप्शन ए जो है
वो राइट रहेगा फ्रांस। आपको ये याद रखना है कि कब से कब तक ये जो फीफा महिला विश्व कप चला था, तो 7 जून से 7 जुलाई तक। ओके, तो ये 8वां संस्करण था। ओके, वो फीफा महिला विश्व कप का। ओके, तो 7 जून से 7 जुलाई तक ये चला था, और इसका आयोजन जो था वो फ्रांस के 9 शहरों में हुआ था। तो वो भी आपको याद रखना है कि 9 शहरों में यानी कि वो हुआ था इसका आयोजन। फीफा महिला विश्व कप 2019 या फीफा महिला विश्व कप का 8वां संस्करण में टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि जिसको गोल्डन बूट अवार्ड भी बोला जाता है, उस किसने जीता? तो वो जीता मैगन रैपिनो ने। ओके, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही रहेगा, मैगन रैपिनो। तो यूनाइटेड स्टेट्स के है मैगन रैपिनो, और उसको गोल्डन बूट अवार्ड मिला। और उसके बाद अगर हम लोग सिल्वर बूट की अगर हम लोग बात करें तो वो मिला एलेक्स मॉर्गन, जो वो भी यूएसए के है। और कांस्य बूट की बात करें तो वो मिला एलन वाइट, जो इंग्लैंड के है। और यूनाइटेड स्टेट्स के जो मैगन रैपिनो है उसने टूर्नामेंट का गोल्डन बॉल अवार्ड भी जीता, जिसके बाद सिल्वर बॉल जो जीता हुआ है लूसी ब्रॉन्ज, जो इंग्लैंड से है, और ब्रॉन्ज बॉल जीता है वो रोज लावेल, जो यूएसए से है। और जर्मनी के जो गिविलिया गिवन है उसने टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी जो अवार्ड है वो जीत लिया है। और टूर्नामेंट में जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, ओके, जिसको गोल्डन ग्लोव अवार्ड भी बोला जाता है, वो नेदरलैंड के जो साड़ी वान वेनेगल है उसने जीता। तो फ्रांस ने टूर्नामेंट में जो फेयर प्ले अवार्ड होता है, ओके, वो फ्रांस ने पूरा जीत लिया है। क्रिकेटर शोएब मलिक ने संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से है? ओके, तो वो है पाकिस्तान से। ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट रहेगा। पाकिस्तान के जो पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर की बात करें तो वो है शोएब मलिक। उसने लंदन में जो लॉर्ड्स में जो 2019 का विश्व कप की जो सीरीज थी वो खत्म होने के बाद वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। संसद द्वारा पारित बिल का नाम बताइए जो उपयोगकर्ताओं के बैंक खाते खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आधार के स्वैच्छिक उपयोग को पहचान के प्रमाण के रूप में अनुमति देता है। तो वो है आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2019, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही रहेगा। ओके, तो वो बैंक खाते खोलने के लिए मोबाइल फोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए जो आधार है उसको स्वैच्छिक उपयोग को पहचान के प्रमाण के रूप में वो अनुमति देता है। तो याद रखना है आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2019। ग्रीस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ले ली है? तो वो ली है क्यारिकोस मित्सोतकिस ने, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही रहेगा, क्यारिकोस मित्सोतकिस ने, जो ग्रीस के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA में क्रिकेट का प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो वो है राहुल द्रविड़, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा राइट रहेगा। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ने पूर्व भारतीय जो कप्तान है राहुल द्रविड़ उसको राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के में जो क्रिकेट के प्रमुख के रूप में उसको नियुक्त किया गया है। लिंक्डइन में भारत के लिए देश के प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आशुतोष गुप्ता। तो सही आंसर रहेगा हमारा आशुतोष गुप्ता, जिसको लिंक्डइन में भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में उसे नियुक्त किया गया है। तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम बताइए जिसका राजस्थान के पोखरण में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो वो है नाग मिसाइल, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा वो राइट रहेगा, नाग मिसाइल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसको DRDO भी बोला जाता है, जिसने राजस्थान के जो पोखरण में एक दिन और एक रात में नाग मिसाइल के जो 3 सफल परीक्षण है वो किए थे, और यह भारतीय सेना में शामिल होने के लिए वो उसका जो चरण था वो अंतिम चरण था। ओके, तो उसमें 3 परीक्षण किए और वो तीनों हमारे सफल रहे। बाजार पूंजीकरण द्वारा कौन सी इकाई सबसे मूल्यवान फर्म बन गई है? तो वो है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो बाजार पूंजीकरण द्वारा जो सबसे बड़ी इकाई है यानी कि मूल्यवान फर्म है वो बन चुकी है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों में लगातार 3रे वर्ष यानी कि 2019 के पुरुष फुटबॉलर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वो नामित किया गया है
सुनील छेत्री को, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही रहेगा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के जो कप्तान है वो है सुनील छेत्री और उसको अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार में वर्ष 2019 के पुरुष फुटबॉलर का नाम दिया गया है और उसको ये लगातार तीसरे वर्ष तक ये पुरस्कार मिला है। तो वो आपको याद रखना है कि लगातार तीसरे वर्ष तक सुनील छेत्री जो है उसको ये पुरस्कार मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को खसरा मुक्त राष्ट्र घोषित किया है, यानी कि मेसल्स फ्री जो राष्ट्र वो घोषित किया है WHO ने, तो वो किया है श्रीलंका को, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही रहेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में अब तक कुल कितनी राशि जमा की गई है, तो वो की गई है 1,00,000 करोड़, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, 1,00,000 करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 36.06 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं और उसमें 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा उसमें जमा राशि आ चुकी है। ओके, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डिजिटल दिग्गजों यानी कि गाफा, यानी कि गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन पर टैक्स पारित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो वो बन गया है फ्रांस, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही रहेगा। फ्रांस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो जांच के आदेश की अवहेलना में डिजिटल दिग्गज यानी कि गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन पर टैक्स पारित करने वाला वो पहला देश बन चुका है। दिनेश भाटिया को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में मान्यता दी गई है, तो वो दी गई है उरुग्वे, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही रहेगा, उरुग्वे। उसमें दिनेश भाटिया को उरुग्वे में भारत के जो अगले राजदूत है उसके रूप में उसको मान्यता दी गई है। उस फंड का नाम बताइए जो हाल ही में दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता में सुधार के लिए बनाया गया है और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा उसको प्रशासित भी किया गया है, तो वो है ग्लोबल मीडिया डिफेंस फंड। सही ऑप्शन रहेगा हमारा सी, ग्लोबल मीडिया डिफेंस फंड। गांधी मंडेला शांति पहल के पहले संस्करण के दौरान गांधी मंडेला शांति पदक 2019 से किसे सम्मानित किया गया था, तो वो किया गया है ठीक नहत हन को, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही रहेगा। ओके, तो ठीक नहत जो नन हन है ओके उसको गांधी मंडेला शांति पहल के पहले संस्करण के दौरान गांधी मंडेला जो शांति पदक है उसे उसको सम्मानित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के MD का नाम बताइए जिन्हें विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO के रूप में उसे नियुक्त किया गया है, तो वो है अंशुला कांत को। ओके, ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो प्रबंध निदेशक अंशुला कांत को विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO के रूप में उसे नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे ई स्पोर्ट उद्यम फैन मोजो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो वो है पृथ्वी शो, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही रहेगा। पृथ्वी शो जो है उसको ई स्पोर्ट्स उद्यम जो फैन मोजो उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है उसको नियुक्त किया गया है। ICC पुरुषों का विश्व कप यानी कि 2019 का या फिर 12वां क्रिकेट विश्व कप कहाँ पे आयोजित किया गया था, ओके तो वो आयोजित किया गया था इंग्लैंड और वेल्स में, ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था। और उस कब से कब तक चला था, तो 30 मई से 14 जुलाई 2019 तक इंग्लैंड और वेल्स में उसको आयोजित किया गया था, तो आपको डेट भी याद रखनी है। ओके, 30 मई से 14 जुलाई तक ICC पुरुष विश्व कप 2019 या फिर 12वें क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द मैच से किसे सम्मानित किया गया, तो वो सम्मानित किया गया बेन स्टॉक्स को, ऑप्शन सी जो है हमारा सही रहेगा। तो बेन स्टॉक्स इंग्लैंड के क्रिकेटर है और उसको मैन ऑफ द मैच दिया गया। उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे ICC मेंस वर्ल्ड कप 2019 या फिर 12वें क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, तो वो चुना गया केन स्टुअर्ट विलियमसन को, यानी कि ऑप्शन ये हमारा सही रहेगा, केन स्टुअर्ट विलियमसन। तो केन स्टुअर्ट विलियमसन जो है वो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है और उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में उसे सम्मानित किया गया है, और जिसको भारतीय दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से उसको पुरस्कार प्राप्त हुआ। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जो ICC मैन को विश्व कप 2019 या फिर 12वें क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट का सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी था, तो वो था रोहित शर्मा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा
सही रहेगा। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे 2019 के विश्व क्रिकेट कप था उसमें। किसने 27 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया और आईसीसी मेन के विश्व कप 2019 या फिर 12वें क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने, तो वो है मिशेल स्टार्क, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही रहेगा। तो मिशेल स्टार्क जो है ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज है और उसने 27 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया और उसने 10 मैचों में 2 बार 4 विकेट लिए और 2 बार 5 विकेट लिए। 2019 विंबलडन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली जो पहली रोमानिया खिलाड़ी वो कौन बन गई है, तो वो बन गई है सिमोना हालेप। ऑप्शन बी जो है हमारा सही रहेगा, सिमोना हालेप। सिमोना हालेप सीनियर विंबलडन एकल फाइनल खिताब तक पहुंचने वाली वो पहली रोमानिया खिलाड़ी भी बन चुकी है और उसने 7 बार के जो विंबलडन चैंपियन और 23 बार के जो ग्रैंड स्लैम चैंपियन जो थी वो सेरेना उसको हरा कर अपना पहला जो खिताब है वो जीत लिया है। मृतक कंप्यूटर वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें कंप्यूटर पासवर्ड का आविष्कार करने का श्रेय दिया गया था, तो वो दिया गया था फर्नांडो जे कार्बेटो, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही रहेगा। फर्नांडो जे कार्बेटो वो एक प्रख्यात अमेरिकी कंप्यूटर है जिसे कंप्यूटर पासवर्ड का जो आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है और उसकी मृत्यु डायबिटीज के कारण हुई थी। विश्व युवा कौशल दिवस 2019 का विषय क्या था, तो उसका विषय था जीवन और कार्य के लिए सीखना, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही रहेगा। विश्व युवा कौशल दिवस की बात करें तो 15 जुलाई को मनाया जाता है और ये जो है वो युवा कौशल विकास में जो निवेश के जो महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है और इस बार का जो थीम था वो था जीवन और कार्य के लिए सीखना। फ्रांसीसी सरकार ने किसको अपना राष्ट्रीय दिवस यानी कि बैस्टिल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, वो भी आपको याद रखना है, वो कब मनाया, तो वो मनाया 14 जुलाई, ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। तो 14 जुलाई है उसमें फ्रांसीसी सरकार ने अपना जो राष्ट्रीय दिवस यानी कि जिसको बैस्टिल दिवस भी मनाया जाता है उसके रूप में उसको मनाया। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वो नियुक्त किया गया अनुसुईया उइके, तो ऑप्शन ए सही रहेगा हमारा अनुसुईया उइके। भारत के 14वें राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है उसने वरिष्ठ भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है अनुसुईया उइके को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया है। किस राज्य के लिए भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्वभूषण हरिचंदन को राज्यपाल नियुक्त किया है, तो वो किया है आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही रहेगा। भारत के 14वें जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उसने जो वरिष्ठ भाजपा नेता है वो है विश्वभूषण हरिचंदन को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 12 जुलाई, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई 2019 को हर साल मनाया जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो पाकिस्तानी जो बाल कार्यकर्ता है वो मलाला यूसुफ अजय उसका द्वारा जो पाकिस्तानी बच्चों की जो शिक्षा के ऊपर उसने जो काम पर जो प्रकाश डाला है उसके लिए मनाया जाता है और यह दिन जो है 12 जुलाई 2013 से मनाया जाता है, तो वो आपको याद रखना है 12 जुलाई 2013 से मनाया जाता है। ओके, भारत में साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए 2018-20 की अवधि के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए, तो योजना का नाम है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा सही रहेगा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र IFOC। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा गठित 2 नए जिलों का नाम बताइए, तो वो है तेनकासी और चेंगलपट्टू, तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। तेनकासी और चेंगलपट्टू जो है तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा जो नए बनाए गए जो जिले है वो है। ओके, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 कहां पे आयोजित की गई थी, तो आयोजित की गई थी आपिया समाओ में, ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा आपिया समाओ में। तो 9 जुलाई से 15 जुलाई तक ये जो आपिया समाओ में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी और ये जो चैंपियनशिप थी उसमें 3 श्रेणियों थी जिसमें सीनियर जूनियर और युवा उसमें आयोजित की गई थी और सभी श्रेणियों की अगर हम लोग बात करें तो उसमें 22 पदक मिले और 10 सिल्वर और 3 कांस्य पदक के साथ भारत जो है वो उसने टोटल 35 पदक जीत लिए है और सबसे ऊपर के स्थान पे वो रहा, यानी कि भारत का जो क्रम है वो सबसे पहला है। ओके,
लालजी टंडन को किस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही रहेगा। मध्य प्रदेश में लालजी टंडन को नए राज्यपाल के रूप में उसको नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है विवेक कुमार, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही रहेगा। ये जो विवेक कुमार है वो 2004 की बैच के IFS अधिकारी है, और जिसको प्रधानमंत्री के जो नरेंद्र मोदी उसके निजी सचिव के रूप में उसे नियुक्त किया गया है। उस भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS अधिकारी का नाम बताए जिसे पनामा गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है उपेंद्र सिंह रावत, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही रहेगा। विदेश मंत्रालय ने श्री जो उपेंद्र सिंह रावत है उसको पनामा गणराज्य में भारत का अगला राज्य दूत है वो नियुक्त किया है, और वो 1998 के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी भी है। श्री संजीव कुमार सिंगला को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है इजराइल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। विदेश मंत्रालय ने श्री संजीव कुमार सिंगला जो है उसको इजराइल के में नए राजदूत के रूप में उसे नियुक्त किया है, और वो 1997 में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे। रानी बंगा किस खेल से संबंधित है? तो सही ऑप्शन रहेगा हमारा जिम्नास्टिक, ओके ऑप्शन डी है हमारा जिम्नास्टिक, क्योंकि रानी बंगा ने रस्सी जो अभ्यास में स्वर्ण पदक और इजरायली के जो उत्तरी शहर गोलन में जो आयोजित वार्षिक चैंपियनशिप हुआ था उसमें रजत पदक जीता था, और उन्होंने हाल ही में एक क्रोएशिया में 2019 पिरुइटा कप में एक स्वर्ण पदक जीता और एक रजत पदक भी जीता है। तो रानी बंगा जो है वो जिम्नास्टिक खेल में से संबंधित है। 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का हाल ही में निधन हुआ, और वो किस राज्य की मुख्यमंत्री थी? तो वो मुख्यमंत्री थी नई दिल्ली। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ओके 3 बार की मुख्यमंत्री है शीला दीक्षित जो नई दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, और वो उसका भी निधन हुआ है, ओके हाल ही में उसका निधन हुआ है, और उसका निधन हुआ है 20 जुलाई 2019 को, तो वो भी आपको याद रखना है। उस योजना का नाम बताए जिसे गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन जो है प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA द्वारा प्रशंसा की गई, यानी कि उसकी तारीफ की गई, ओके तो सही ऑप्शन है हमारा डी, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है उसकी तारीफ की गई किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, उसने कार्यकारी निदेशक फतेह बिरो ने गरीब को जो मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन जो प्रदान करने वाली जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसकी उसने तारीफ की। ये जो पर्यावरण और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, और लगभग 7.4 करोड़ से भी ज्यादा कनेक्शन दिए गए हैं, और 2020 तक का जो लक्ष्य है वो 8 करोड़ कनेक्शन देने का है, ओके तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोकसभा में पारित बिल का नाम बताएं जिसमें कहा गया कि भारत में मुख्य न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही रहेगा, यानी कि मानव अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, ओके तो विधेयक के अनुसार भारत के जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश को भी भारत राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो बनाया जा सकता है, और इस विधेयक में किसी भी व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी है जो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी रहा हो तो भी, ओके तो भी वो बन सकते हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक यानी कि गिफ्ट सिटी में परिचालन शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो ब्रिटेन स्थित स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट सिटी में परिचालन करने वाला वो पहला विदेशी बैंक हो गया है। हिमाचल प्रदेश के 26वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो वो शपथ ली कलराज मिश्रा, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री है कलराज मिश्रा, और वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, और उसने हिमाचल प्रदेश के 26वें राज्यपाल के रूप में उसने शपथ ली है। आचार्य देवव्रत को किस राज्य में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है गुजरात, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही रहेगा। और भारतीय राजनेता जो है आचार्य देवव्रत को गुजरात में 20वें राज्यपाल के रूप में उसे नियुक्त किया गया है, उसने 20वें राज्यपाल के रूप में उसने शपथ ली है, तो आपको याद रखना है। बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताए जिसे रिबोक का ब्रांड चेहरा नियुक्त किया गया है? तो वो है वरुण धवन, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही रहेगा, वरुण धवन। वरुण धवन को जो फिटनेस ब्रांड रिबोक
के भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उसे नियुक्त किया गया है। फीफा महिलाओं की रैंकिंग में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सही ऑप्शन है हमारा ए, यूएस। ओके, तो अमेरिका ने अपने जो लगातार दूसरे फीफा महिला विश्व कप जीतने के बाद नवीनतम महिलाओं की रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान मजबूत किया है, और अमेरिका के बाद जर्मनी और नीदरलैंड जो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। वर्ष 2019 के लिए जागरण फिल्म फेस्टिवल का 10वां संस्करण कहां पे आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही रहेगा। नई दिल्ली में सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में जागरण फिल्म फेस्टिवल का 10वां संस्करण आयोजित किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उस राज्य का नाम बताया जो स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा ने उद्योगों कारखानों जो अधिनियम 2019 में स्थानीय उम्मीदवारों के आंध्र प्रदेश जो रोजगार को पारित किया है, जिसमें जो ये योजना के तहत 75% जो निजी नौकरी है वो आंध्र प्रदेश के जो स्थानीय लोगों के लिए वो उसको आरक्षित की गई है। विवेक कोहली और एमपी सिंह को किस एसोसिएशन का अध्यक्ष और महासचिव चुना गया है? तो वो चुना गया है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। भारत के विवेक कोहली और एमपी सिंह है जिसको कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष और महासचिव के रूप में उसे चुना गया है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2019 में भारत का पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन था? तो वो था शिव थापा, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही रहेगा। भारत के मुक्केबाज है शिव थापा, और जिसे 4 बार के एशिया पदक विजेता भी है, जिसने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कप जो बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2019 है उसमें भारत का पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। उस गोल्फर का नाम बताए जिसने ब्रिटिश ओपन 2019 में अपना पहला गोल्फ खिताब जीत लिया है? तो सही ऑप्शन है हमारा सैन लॉवरी। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा, सैन लॉवरी। तो आयरलैंड के सैन लॉवरी जिसने ब्रिटिश ओपन 2019 में इंग्लैंड के टॉमी फ्लिटवुड को हराकर अपना पहला जो है गोल्फ खिताब है वो जीत लिया है। वर्ष 2019 के लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के 12वें संस्करण में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो सही ऑप्शन है हमारा ए, स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड हमारा राइट आंसर रहेगा। 2019 के लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के 12वें संस्करण में स्विट्जरलैंड वो पहले स्थान पर रहा, और भारत का अगर हम लोग क्रम देखें तो वो 2018 में 52वें स्थान पे था, पर अभी वो 57वें स्थान पे पहुंच गया है। उस जनरल का नाम बताए जिसे भारतीय सेना में अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है मनोज मुकुंद नरवणे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। ओके, वर्तमान जनरल ऑफिसर है कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है, और उसको भारतीय सेना में सेना के जो अगले उपाध्यक्ष के रूप में उसे नियुक्त किया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय टेबल टेनिस टीम के मुख्य कोच के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? ओके, तो वो है देजन पपिकास, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही रहेगा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कनाडा के जो देजन पपिकास है उसको भारतीय टेबल टेनिस टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। उस आईएएस अधिकारी का नाम बताए जिन्हें आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव के रूप में उसे नियुक्त किया गया है? तो सही ऑप्शन रहेगा हमारा ए, अतनु चक्रवर्ती। अभी गुजरात केडर के आईएएस अधिकारी है और 1985 बैच के अतनु चक्रवर्ती है, जिसको आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव के रूप में उसे नियुक्त किया गया है, और वो सुभाष चंद्र गर्ग है उसका स्थान लेने वाले है। हाल ही में कर्नाटक के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो ली है बीएस येदियुरप्पा, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही रहेगा। 26 जुलाई 2019 को जो कर्नाटका के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटका के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है, और उनके पास चौथी बार यानी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाला उसने रिकॉर्ड बना लिया है उसके पास है, यानी कि वो 4 बार वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है सुनील कुमार, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक सुनील कुमार को कंपनी के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार है वो दिया गया है, और वो पीके पुरवार जो है उसका स्थान लेने वाले है, और जिसको हाल ही में बीएसएनएल ओके उसका अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली में 36वीं गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी परिषद की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता किसने की?
तो अध्यक्षता की निर्मला सीतारमण ने, तो सही ऑप्शन रहे ए। तो 36वें गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की जो बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और उसकी जो अध्यक्षता की निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री भी है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2019 का विषय क्या था? तो उसका विषय था हेपेटाइटिस को खत्म करने में निवेश, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही रहेगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है और यह वायरल हेपेटाइटिस के वैश्विक जो बोझ है उसमें उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इस बार का जो विषय जो था वो था हेपेटाइटिस को खत्म करने में निवेश। उस भारतीय राजनेता का नाम बताएं जिसे बिहार के 19वें राज्यपाल के रूप में उसे नियुक्त किया गया, तो उसका नाम है फागू चौहान, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 6 बार के जो सदस्य है फागू चौहान, उसको बिहार के जो 19वें राज्यपाल के रूप में है उसे नियुक्त किया गया है। ओके, किस राज्य में आनंदीबेन पटेल को हाल ही में राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सही ऑप्शन है हमारा ए, उत्तर प्रदेश। ओके, तो 19 जुलाई 2019 को आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में उसको नियुक्त किया गया है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया वीके जोहरी, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो अध्यक्षता वाली जो बैठक थी उसमें जो आईपीएस अधिकारी वीके जोहरी को सीमा सुरक्षा बल का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ओके, और वो वर्तमान में जो बाहरी खुफिया एजेंसी यानी कि जो रो यानी कि रिसर्च एनालिसिस विंग में विशेष सचिव भी थे। पाकिस्तान किस वर्ष तक अपने पहले आदमी को अंतरिक्ष में भेजेगा? ओके, तो वो भेजेगा 2022, यानी कि ऑप्शन हमारा जो बी है वो सही रहेगा 2022। तो 25 जुलाई 2019 को पाकिस्तान ने ये बताया कि हम लोग 2022 में हम लोग हमारा पहला आदमी अंतरिक्ष में भेजेंगे और चीन का जो उपग्रह है उस उपग्रह प्रक्षेपण वो सुविधा का उपयोग करके हमारा पहला अंतरिक्ष यात्री है वो अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं और अंतरिक्ष मिशन के लिए जो अंतरिक्ष यात्री की जो चयन प्रक्रिया है वो हम फरवरी 2020 से वो शुरू करेंगे, ऐसा पाकिस्तान के द्वारा बताया गया। 2019 फॉर्मूला 1 जर्मन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो वो जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। ओके, तो सही ऑप्शन रहेगा हमारा ए, मैक्स वेरस्टैपेन ने। ओके, तो रेड बुल रेसिंग ड्राइवर है मैक्स वेरस्टैपेन, उसने 2019 फॉर्मूला 1 जर्मन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है और यह उस वर्ष 2019 के लिए उनकी दूसरी जीत थी। किस राज्य को 526 की गिनती के साथ सबसे अधिक बाघों में पहला स्थान मिला है? तो वो मिला है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। मध्य प्रदेश जो है 526 पर सबसे अधिक बाघों के स्थान पर पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर अगर हम लोग बात करें तो वो कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड। भारत में बाघों की आबादी को दोगुना करने का जो लक्ष्य है तो लक्ष्य के रूप में कौन सा वर्ष निर्धारित किया गया है? तो वो निर्धारित किया गया है 2022, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही रहेगा 2022। सर्वेक्षण के अनुसार भारत में जो बाघों की संख्या 2018 में बढ़कर 2967 हो गई थी और भारत ने समय सीमा में 4 साल पहले बाघों की जो आबादी को दोगुना करने का जो अपना 2022 का लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया, यानी कि जो बाघों की संख्या जो है वो बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश के 28वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है लालजी टंडन, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही रहेगा। और 29 जुलाई 2019 को भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है लालजी टंडन, जिसको मध्य प्रदेश के 28वें राज्यपाल के रूप में उसको नियुक्त किया गया है। किस राज्य में पूर्व लोकसभा सांसद जगदीप धनखड़ को 28वें राज्यपाल के रूप में उसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही रहेगा। पश्चिम बंगाल राजस्थान के पूर्व लोकसभा सदस्य है और सर्वोच्च न्यायालय के वकील है जगदीप धनखड़, जिसको पश्चिम बंगाल के 28वें राज्यपाल के रूप में उसको नियुक्त किया गया है। उच्च संसद सदस्य यानी कि सांसद का नाम बताइए जिसने त्रिपुरा के 18वें राज्यपाल के रूप में उसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है रमेश बैस, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही रहेगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर से 7 बार, याद रखिएगा 7 बार वो पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं रमेश बैस, जिसे त्रिपुरा के 18वें राज्यपाल के रूप में उसको शपथ ली है। 81वां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस कौन सी डेट को मनाया जाएगा? तो मनाया जाएगा
27 जुलाई यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही रहेगा। 27 जुलाई को 81वां यानी कि 81वां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही ऑप्शन है हमारा राजीव कुमार, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुसार राजीव कुमार जो है उसको नए वित्त सचिव के रूप में उसको नियुक्त किया गया है, और वो किसका स्थान लेने वाले हैं? वो लेने वाले हैं सुभाष चंद्र गर्ग का। तो याद रखिएगा, जिन्होंने अभी यानी कि सुभाष चंद्र गर्ग ने अभी बिजली सचिव का जो पद है वो संभाल लिया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ये बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली जो नई वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।